हेलो दोस्तों, एक्सीलेंट एजुकेशन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये सीरीज जीआरई, कैट, एसएससी, आईबीपीएस, जीमैट सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। इस सीरीज को अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो किसी भी एग्जाम के वर्ड्स रिलेटेड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इस सीरीज में हम 5 वर्ड हर लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उसके मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले वर्ड से, जो कि है एवोर। एवोर मतलब हेट, यानी घृणा करना। इस टूटे हुए दिल को देखिए, आपका दिल अगर कोई तोड़ देता है तो आप उससे घृणा करने लगते हैं। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। इस बिल्ली की नजर को देखिए, यह घृणा की दृष्टि है। तो एवोर मतलब घृणा करना। हमारा जो दूसरा वर्ड है वो है बिगट। बिगट मतलब नैरो माइंडेड, नैरो संकीर्ण विचारों वाला। जो रेसिस्ट लोग होते हैं वो अपने रेस को सुपीरियर समझते हैं और दूसरे रेस को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, ये बिगट होते हैं। जो लोग औरतों को काम करने से रोकते हैं वो भी नैरो माइंडेड होते हैं, वो भी बिगट होते हैं। हमारा तीसरा वर्ड है प्लेसिड। प्लेसिड मतलब काम, पीसफुल। हिंदी में समझे तो शांत और गंभीर। इस प्लेस को देखिए, ये कितना शांत और गंभीर है। योगा करने के लिए बेस्ट प्लेस है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं इस प्लेस पे, आप अपने माइंड को कंसंट्रेट कर सकते हैं। ऐसे प्लेस को हम कहेंगे प्लेसिड। ये सीनरी को देखिए, कितना काम इन्वायरमेंट है यहाँ पे, ये प्लेसिड है। हमारा चौथा वर्ड है रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन मतलब पेमेंट फॉर योर वर्क, मेहनताना। यहाँ बॉस खड़े हैं जो कि अपने वर्कर को उनके काम के बदले पैसे दे रहे हैं, जो कि रिम्यूनरेशन दे रहे हैं। हमारा अंतिम वर्ड है ऑस्ट्रसिज्म, जिसका मतलब होता है सोशल आइसोलेशन, समाज से निकालना। ये सोशल मीडिया के युग में, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब के युग में हम समाज से अलग हो गए हैं, ये ऑस्ट्रसिज्म की स्थिति है। इस लड़की को लोग समाज से निकाल रहे हैं, बहिष्कृत कर रहे हैं, ये ऑस्ट्रसिज्म की स्थिति है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए। हमें कमेंट में बताइए कि हम और कौन कौन से वर्ड्स पे वीडियो बना सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे के अपडेट्स के लिए। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।